एशिया कप 2022 के लिए भारतीय टीम में सिलेक्शन न होने पर मोहम्मद शमी ने उठाया बड़ा कदम और दोस्तों ले लिया संन्यास। दोस्तों अभी चाहते हो मोहम्मद शमी संन्यास ले लें, इस वीडियो को एक लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और नोटिफिकेशन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों इस समय पूरा भारत देश केवल एशिया कप की तैयारी कर रहा है कि जल्दी से जल्दी एशिया कप शुरू हो जाए। दोस्तों एशिया कप का पहला मुकाबला 27 अगस्त को खेला जाएगा और वही दूसरा मुकाबला भारत और पाकिस्तान, जो कि विश्व की सबसे बड़ी टीमों में से एक है, उनके बीच में खेला जाएगा 28 अगस्त वाले दिन। और एशिया कप 2022 का फाइनल मुकाबला 11 सितंबर वाले दिन खेला जाएगा। दोस्तों जिसके लिए भारतीय टीम का ऐलान हो चुका है और उधर से पाकिस्तान टीम का भी ऐलान हो चुका है। दोस्तों जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम से बाहर हैं क्योंकि चोट की वजह से। मगर दोस्तों जब जब जसप्रीत बुमराह भारतीय टीम से बाहर होते थे तो मोहम्मद शमी उनकी जगह पे काम करते थे, मगर अब मोहम्मद शमी भी टीम में नहीं है और बुमराह भी टीम में नहीं है। ऐसे में मोहम्मद शमी के साथ कहीं ना कहीं नाइंसाफी हो रही है और इसी वजह से मोहम्मद शमी आने वाले दिनों में संन्यास भी ले सकते हैं अगर ऐसा ही चलता रहा तो। दोस्तों मोहम्मद शमी ने साफ कह दिया कि ये बहुत गलत बात है, जब मैं बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा हूँ तो फिर मुझे बिठाया क्यों।